तो प्रश्नावली 7 पॉइंट टेंथ में क्लास 12 मैथ क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक को हम लोग पूरा हल करेंगे, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 और यहाँ पर क्या लिखा गया है 0 और ऊपर आपका है x और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। कैसे हल करोगे? सिंपली बात है, आप मानेंगे नीचे वाला मानेंगे ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो माना कि कैसे पता चला, क्योंकि इसका अवकलन करोगे तो आ जाएगा, माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू t। अवकलन करो, हमेशा मानते हैं तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो 2x है कि 0 dx बराबर dt, तो dx बराबर dt बटा 2x हमें मान भरो। अभी पहले ये हटा दो, ऊपर नीचे आप t लिखिए, ऊपर x होते x लिखिए, हाई आपका dt बटा 2x लिख लीजिए, x x कैंसिल, तो 1/2 बाहर निकाल लीजिए, हाई 1/t इंटू डी टी, तो 1/2 लाग t हो जाए, ठीक है। अब 1/2 लिख लो लाग, जहाँ टी है था जो माने हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसके ऊपर ये मार्ग लगा करके जो मान दिया है 1 और 0, आराम आराम से एकदम हल करते रहो। चलो तो 1/2 लिख लो, लागो सही रखो, लागो सही रखो, चलो एक बार एक रखो ना एक्स के जगह पर, तो एक कवर करोगे एक और एक तो 2 हो जाएगा, तो लाग 2 हो जाएगा माइनस, फिर लाग लिखो और 0 रखो, 0 और एक तो कितना हो जाएगा 1, तो 1/2 आई लाग 2 आई 0, तो खाली हो जाएगा 1/2 और लाग 2, ये हमारा कहा जाएगा आंसर। समझ में आया पहला बता? कुछ पूछना है? देख लो नीचे वाला मानोगे, सिंपली बात है हल करते चलो, अंत में जहाँ टी आएगा तहाँ जो माने उसको रख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, हल करेंगे तो आंसर आ जाए। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड के पास हम लोग चलते हैं। अच्छा देखो सेकेंड सवाल क्या है ना, समाकलन है 0 से π/2 है और फिर करनी में साइन फाई है और कॉस के ऊपर 5π (d)। अच्छा देखो इसमें करना क्या है, आपको पहले ध्यान रखना, हमें ना इसको तूर करके साइन के बराबर करना है। अगर ये करनी में साइन नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं होता, अगर करनी से बाहर होता तो कॉस फाई बराबर टी मान लेते, फिर कॉस फाई का समाकलन करते साइन फाई आ जाता, तो ये करनी वाला ये प्रॉब्लम कर दिया। तो देखो का करोगे, आई π/2 आई 0 आई करनी से हटेगा नहीं, वैसे ही रखोगे, ये तूर दो कॉस के ऊपर 4π आई, वो कॉस फाई को तुम बाहर कर लो, ठीक है, ये कॉस फाई को तुम क्या करो बाहर कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ चले, आगे चलते हैं। अब क्या होगा बाबू, आई π/2 ऐसे ही लिख लो, आई 0 हाई करनी, अच्छा करनी से आओगे तो जानते ही होगे, चाहे करनी में रखो जैसे ऐसा होगा, साइन फाई करनी में रखो, अब इसको तुर देगा 1 - sin²। अच्छा एक काम करो इधर तय समय आता है, कॉस के ऊपर 4 है तो 2 और फिर इसके ऊपर 2 कर सकते हैं ना, और फिर इसके ऊपर लिख सकते हैं ना 1 - sin²θ, वही काम हो रहा है, तो 1 - sin²φ और इसके ऊपर 2 लिख लो, कॉस फाई लिख लो इंटू डी फाई। अब आपका काम हो चुका है बाबू, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे माना कि साइन फाई बराबर टी, अब अवकलन कर दो तो साइन फाई का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस फाई आर डी फाई आर टी के कहा जाएगा डी टी, तो कहा हो जाएगा आपके पास डी फाई बराबर डी टी बटा कॉस फाई। चलो अब आप इसको हल करो, ये देखो साइन जहाँ जहाँ तहाँ तहाँ टी टी माने हो ना, तो यहाँ टी हो जाएगा और यहाँ कहा जाएगा 1 - sin² के टी स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर कॉस फाई डी फाई की जगह पर कॉस फाई डी फाई, चलो कॉस फाई डी फाई की जगह खाली डायरेक्टली डी टी रख दो। अब एक काम करो, ये टी हटा दो स्क्वायर, इतना टी से गुणा इसमें करो फिर इसमें करो, अभी तो गुणा होगा नहीं बाबू, अभी जब तक इसको तूरेंगे नहीं तो, ठीक है 1/2 इसको तूरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी 50 माइनस 2b तो 2t² इंटू डी टी, ठीक है। चलो समाकलन ही गुणा करो, टी के ऊपर 1/2 प्लस टी के ऊपर 1/2 प्लस 4 घात जुट जाए, हमारे 2 आएंगे देखो टी के ऊपर आई 2 + 1/2 गुणा था खात आगे जुट जाएगा, ऐसे जुट सकते कि नहीं, इसे गुणा इसमें होगा इसमें होगा इसमें होगा तीनों में होगा, और टी से में तो घात जो ऊपर वाला होता है उसको एड कर देते हैं, एक टी लिखते हैं अच्छा घात होता है उसको ऊपर जोड़ देते हैं, उसके बाद आराम से प्लस लेंगे समाकलन, आई टी के ऊपर 1/2 अलग कर लो डी टी लिख लो
प्लस ऐसे चार जना आठ एक नौ, टी के ऊपर नौ बटा दो कर लो, डी टी लिख लो, माइनस दो बाहर कर लो, दू दिन चार एक पाँच, टी के ऊपर पाँच बटा दो लिख लो, डी टी लिख लो, इसका समाकलन करो, टी के ऊपर एक बटा दो प्लस एक, नीचे भी एक बटा दो प्लस एक, प्लस इसका टी के ऊपर नौ बटा दो प्लस एक, यहाँ भी नौ बटा दो प्लस एक, यहाँ माइनस दो ऐसे लिखो, टी के ऊपर पाँच बटा दो प्लस एक, फिर पाँच बटा दो प्लस एक, बताओ हो जाएगा इसका आगे। अरे तीन बटा दो होगा, ऊपर तीन बटा दो लिख लो, टी के जगह पर जो माने हो उसको रख लो, क्या माने हो टी के जगह पर आपने, हाँ तो साइन फाई रख लो। और इसके ऊपर कितना रखोगे, तीन बटा दो, और क्या क्या दिया है, पाई बाई टू दिया है, जीरो माइनस अरे तो नौ ग्यारह प्लस जगह ग्यारह बटा नौ हो जाएगा, फिर ये साइन फाई रख लो, और फिर इसके ऊपर ग्यारह बटा दो रख लो, और फिर माइनस दो रखो, फिर ये सात बटा दो आएगा ना, तो ऊपर दो चला जाएगा, दो बटा तो चार बटा दो ये है, दो ये जा रहा है, चार बटा सात, और साइन के ऊपर सात बटा दो, और पाई बाई टू और जीरो, पाई बाई टू और जीरो, ऊपर बता देते हैं कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो चलो तीन बटा दो ऐसे ही रख लो, ध्यान से देख लो इसको कैसे हल करोगे, डायरेक्टली बता देते हैं, पाई बाई टू रखोगे ना तो साइन नब्बे का मान कितना, पाई बाई टू का मतलब नब्बे, तो साइन नब्बे का मान एक है, जीरो बटा जीरो तो खाली एक होगा, खाली एक होगा, एक गुणा लिख लो, चलो माइनस करो, ग्यारह बटा नौ का प्लस है जहाँ प्लस कर लो, फिर ये रखाई, इसके ऊपर घात कुछ भी हो भाई, एक होगा तो एक, साइन नब्बे का मान फिर क्या होगा, एक का जीरो रखोगे तो जीरो ही हो जाता ना, तो फिर एक होगा गुणा एक, और ये माइनस कितना है, चार बटा सात है ना, पूरा हल करोगे तो एक, और पूरा का लसा ले लो, दो नौ ये सात है क्या, तो दो नौ सात का लसा ले लो, कितना होगा तो नहीं मिलने लग जाओ, ये तीन बटा दो भाई, दो का दो ऊपर हाई का हुआ है, दो बटा दो लसा लिया गया है, तो नौ दो ग्यारह, तो ये दो बटा ग्यारह ना होगा, है लसा लगे तो निचवा दो, ओपरा दो ओपरा ग्यारह हो जाएगा, और ये वाला देख लो, ये वाला तो ये आपका का होगा, देखो पलटोगे ना तो ऊपर जाएगा, आती तो सही है, चार बटा सात ये सही है, ठीक है। चलिए तो ये का आया है आपका दो बटा ग्यारह, अब लसा ले लो, तो ग्यारह दूना बाईस, सात दुना चौदह, सात दुना पंद्रह, सात दुना चौदह पंद्रह, एक सौ चौवन होगा क्या, हाँ ठीक है, देख लो चौदह कम चौदह का चार, चौदह कम चौदह पंद्रह, ठीक है। चलिए अब इसको भाग देंगे तो आपके सात दुना चौदह सात, सतहत्तर बार में कटेगा ये, सतहत्तर बार में, तो सतहत्तर गुणा तीन लिख लो, मैं दो गुणा ग्यारह से भाग इसमें दे दो, तो यहाँ प्लस है ना, ठीक है, तो ये भाग दोगे तो दो ग्यारह, ग्यारह दूना ग्यारह कम ग्यारह, और ग्यारह चौक चौवालीस, चौदह बार में कटेगा ना ये, चौदह आ जाएगा, माइनस चार गुणा सात, तो सात दूना चौदह, बाईस बार में ही कटेगा तो बाईस लिख लो, सात तरीके इक्कीस के एक, सात तरीके इक्कीस एक बाईस, नहीं सात तरीके इक्कीस दो तेईस होगा, माइनस चौदह अट्ठाईस, माइनस आइए आइए प्लस है, प्लस है ये अठासी मोटा में एक सौ चौवन, तो अठासी में अट्ठाईस घटा दो, अट्ठाईस में अट्ठाईस तो पचास, और दो सौ इकतीस में से पचास घटा दो, तो एक सौ इक्यासी कितना आया, चौंसठ बटा दो सौ इकतीस, हम लोग एक सौ चौवन आया क्या, दो बटा ग्यारह, हाँ यार यहाँ फिर मिस्टेक हुआ है, ये दो ऊपर जाएगा, दो बटा तीन अब लसा लगाएगा, अब लसा ले लो तो दो सौ इकतीस आएगा, और ऊपर हल कर लो, ऊपर हल करोगे तो
मन आ जाएगा, पूरा हल करना था इस तरीके से लिख देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं, चार नंबर पर, तीन नंबर पर सब बना लेना, देख लेना। मेन कहा है ना कि सवाल को शुरू में आपको क्या करना है, मैं सबसे मेन बात है तुलना, तुलना आप जान गए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कुछ पता है तब दिक्कत है आपका। चलाओ क्वेश्चन नंबर थ्री आ जाओ, समाकलन 4 0 साइन इनवर्स और क्या होगा 2x + x² (dx), ठीक है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन जानते हो क्या है ना, ये फार्मूला पर है, माने x कल बता रहे थे तुमको याद है, सूत्र बता रहे थे कि जहाँ x होगा तो tan थीटा मान लो, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर लिखना है ना, माना कि x बराबर tan थीटा, तो अवकलन भी तो करना पड़ेगा माने हो तो डी एक्स tan का अवकलन sec² θ (dθ). चलो रखो समाकलन, अब समा है पूरा हटा दो साइन इनवर्स, ठीक है, हाई 2 tan θ / 1 tan² θ और हाई डी एक्स की जगह पहले देना है sec² θ (dθ), साइन इनवर्स साइन 2θ का फार्मूला है और sec² θ (dθ), तो क्या होगा साइन साइन किन से 2θ sec² θ (dθ), अगर दूसरे को मतलब में दू सबसे का बाहर निकालोगे बताओ, थीटा आईलेट का प्रयोग करो, आईलेट तो पहले तो अलजेब्रा आ रहा है ना, यानी थीटा आ रहा है, बाद में ट्रिग्नोमेट्री निकलेगी तो थीटा ले जाओ, थीटा sec² θ डबल होगा तो यही हाल होगी, आईलेट का ही प्रयोग करोगे, थीटा समाकलन sec² θ (dθ) माइनस अब जो बाहर निकाले हैं उसका अवकलन फिर sec² θ फिर dθ फिर पूरा बंद dθ, ये भी बंद आपका होगा, कहा गया 2 ये थीटा से किसमें हो जाएगा 10θ में माइनस या 1 ये कितना होगा 10θ में इंटू dθ, बात खत्म। आपका होगा इधर आ जाओ थीटा और 10θ तो वही पहले बाहर दो है तो दो निकलो और थीटा फिर 10θ, ठीक है। अब तक 10 का तो जानते होगा ना, बताया गया था लॉग कॉस थीटा हाँ तो माइनस लॉग कॉस थीटा, ठीक है। अभी काम करना है तो भाई देखो थीटा देख रहे हो इसके साथ 10θ है तो थीटा 10θ, इसके साथ क्या लिखना है 4 और 0 चार है ना, देख लो 4 की पाई है, एक जीरो मान लो लाग होगा, लिखो लाग भारी कर लो, लाग होगा रखो cos थीटा लिख लो और 1 और 0 लिख लो, अब आराम आराम से मान रखो, रख लो इसका आगे 2 लिखो, एक बार थीटा की जगह पे 1 रख लेना, एक बार थीटा की जगह पर 0 रख लेना, फिर आगे बढ़ जाना, फिर ऐसे ही रख करके आप हल कर सकते, एक बार लाख का की जगह पर 1 लिख लेना, एक बार लाख का 0 लिख लेना, आ जाएगा बन जाएगा। देखो सबसे मेन कारण ये बात समझना जरूरी है, यहाँ हम लोग कैसे मानेंगे, देखो कभी भी हम बता देते हैं आपको, कभी भी सवाल अगर इनवर्स में दिया हो और उसके साथ बड़ा अंक दिया हो, बड़ा माने कोई पद दिया हो, तो बिना माने हुए लगेगा नहीं, ये छोड़ दो ना, तुम उसमें भी पढ़े होगे किस में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति मतलब सर नंबर 2 में भी, कि जब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के साथ बड़ा बड़ा पद आ जाता है तो उसको मान लेते हैं। अगर कोई आपसे कहे, मान लो अगर कोई कहे कि साइन इनवर्स है यहाँ पर कॉस थीटा है, मान लो साइन इनवर्स है यहाँ पर कॉस एक्स है इंटू डी एक्स है, इसका कोई कहे तो समाकलन करो, कैसे करोगे, एकदम सही लड़का बोला, कॉस को इसे बहुत सिंपल सवाल है, आप पढ़े भी हैं, यहाँ पर साइन कर लेंगे आप π/2 - x कर लेंगे, क्योंकि कॉस बराबर होता है sin²θ, कॉस थीटा और sin²θ, और फिर आपके साइन से साइन कट जाता है और फिर आपके π/2 तो π/2 अलग कर लो, एक्स पर 0 लिख लो डी एक्स और -ix (dx), फिर उसको समाकलन कर लो, बस हाँ कौन नीचे वाला हाँ ये लगा रहे हो, तो फिर आपके पास दिक्कत हो जाएगी ना, नहीं जब आप इसको मानेंगे तो मान लीजिए कि ये कट कट जाएगा तो यहाँ पर कुछ मानेंगे ना, तो 1/t आ जाएगा, 1/t ओके भाई क्या करेंगे साइन इनवर्स लाग टी ओके भाई क्या करोगे, आगे जेबे ना करें साइन के साथ, साइन का अगर लाग थोड़े रहेगा इनवर्स में साथ, खाली साइन लाग होता है देखा जाता है,
इसलिए मान के लगा रहे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 4 के पास। आज सवाल तो बहुत इजी है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 2 और 0 है, एस टी कहाँ होगा यार, ये बड़ा टी होगा ना भाई, क्या करोगे बताओ। इसको मान लो, इसको क्या करो मान लो, का एक्स प्लस टू है ना, हाँ तो एक्स प्लस टू बराबर टी मान लो, या के किताब में शायद टी स्क्वायर दिया है, आपकी इच्छा इसको टी मानिए ना, टी मानिए ना, क्या दिक्कत है। इसका अवकलन कर देखो आ रहा है, मारा ये तो किताब में देखा था बोर्ड में। अच्छा ये एक्स और एक्स प्लस टू है ना, तो हमेशा ना समघाती नजर आए, जैसे मान लो एक्स आ गई एक्स प्लस टू आ गई, तो जो बड़ा वाला होता है उसी को, अगली सवाल का मतलब यही होता है कि जो बड़ा वाला होता है उसी को हमेशा मानते हैं, तो एक्स प्लस टू वाला माना जाएगा। अभी समय रखो चलो, तो आई एक्स प्लस टू के जब कल में टी रखा गई जमाना आई बता, लेकिन एक्स जब क्या रखा ही दू के आने को दिले, तो आज एक टी माइनस टू यहाँ पर टी टी, तो कहा गया टी माइनस टू और टी के ऊपर एक बटा टू और यहाँ पर टी टी, दोनों मल्टीप्लाई मार देंगे, तो टी के ऊपर एक और एक बटा टू माइनस टू और टी के ऊपर एक बटा टू और यहाँ पर कहा आ जाएगा डी टी। बस सिंपली बात है कि टी जो कि हम टी के ऊपर तीन बटा टू माइनस टू और टी के ऊपर एक बटा टू इंटू डी टी, इसका समाकलन करोगे तो टी के ऊपर तीन बटा टू प्लस एक, नीचे भी तीन बटा टू प्लस एक माइनस टू हो गया, हाई टी के ऊपर एक बटा टू प्लस एक, यहाँ भी एक बटा टू प्लस एक, बात खत्म। इसको तो दस अलग हल कर दो, पहले टी को बाद इसको भी हल करोगे तो पाँच बटा दो, नीचे भी हल करोगे पाँच बटा दो, इसको भी हल करोगे दो तीन बटा दो, इसको भी हल करोगे तीन बटा दो, पलटोगे दो बटा पाँच, टी के ऊपर पाँच बटा दो माने दो भाई ऊपर दो चला जाएगा तो चार बटा तीन हो जाएगा, और फिर टी के ऊपर तीन बटा दो हो जाएगा, फिर टी के जगह पर जो माने उसको रख देंगे, और क्या यहाँ पर देख लो यहाँ दो बटा क्या है पाँच है, टी के जगह माने हैं एक्स प्लस क्या माने हैं एक्स प्लस टू है ना, एक्स प्लस टू के ऊपर पाँच बटा दू रख लो, और फिर माइनस चार बटा तीन आया है, टी को माने एक्स प्लस टू इसके ऊपर तीन बटा दू हल कर रहे हैं, बोलो बना लोगे, चार गज बता रहे हैं ठीक है, बाकी हम आपको कल बताएंगे।